गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. सो अवर चैप्टर 9 यूनिटरी मेथड इज गोइंग ऑन. और इसके पहले हमने क्या किया, डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में पढ़ चुके हैं. ओके अब डायरेक्ट वेरिएशन, उसके बाद नेक्स्ट वेरिएशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था इनवर्स वेरिएशन. इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता था कि दो क्वांटिटीज होती थी, उनका वो स्ट्राइक से रिलेटेड होती थी एक दूसरे से. एक्स वाई मान लो दोनों, तो एक्स अपॉन वाई की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, यानी एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ जाती है, और दूसरी बढ़ती है तो पहले भी बढ़ जाती है, एक घटती है दूसरी भी घट जाती है. यानी जैसा जैसा वेरिएशन एक में होता है वैसी दूसरी क्वांटिटी भी उसी के अकॉर्डिंग चलती है. तो ऐसे वेरिएशन को कहते हैं हम डायरेक्ट वेरिएशन. हम इनवर्स वेरिएशन के बारे में जानना चाहेंगे. इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन क्या होता है, इनवर्स वेरिएशन अपोजिट होता है उसका, उल्टा क्या होता है इसमें, एक क्वांटिटी बढ़ती है और दूसरी घटती है. दो क्वांटिटी एक दूसरे से ऐसे रिलेटेड होती हैं कि एक क्वांटिटी बढ़े तो दूसरी घट जाए, या एक क्वांटिटी घटे तो दूसरी बढ़ जाए, बिल्कुल उल्टा होता है. तो ऐसी दो क्वांटिटीज जो ऐसे रिलेटेड हों दूसरे से, तो हम कहते हैं कि ये इनवर्स वेरिएशन में है. कहते हैं इनवर्स वेरिएशन. तो इसकी डेफिनेशन है, टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई आर सेड टू बी इन वेरी इनवर्सली इफ द प्रोडक्ट एक्स वाई कॉन्स्टेंट, एक्स वाई रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यानी उनका प्रोडक्ट हमेशा सेम रहता है. प्रोडक्ट सेम, एक्स इंटू वाई एक कॉन्स्टेंट होता है हमेशा. जैसे दो नंबर हैं, टू का और सिक्स इक्वल टू 12, अगर टू की जगह थ्री कर दें, कॉन्स्टेंट ये प्रोडक्ट सेम रखना है, तो थ्री का मल्टीप्लाई फोर में इक्वल 12 हो जाएगा. तो ये क्वांटिटी बढ़ गई, देख रहे हैं ये क्वांटिटी बढ़ गई, तो ये क्वांटिटी घट गई, प्रोडक्ट सेम है. ये फोर इंटू थ्री, ये क्वांटिटी बढ़ गई, ये घट गई. जैसे जैसे ये बढ़ती चली जाएगी पहली क्वांटिटी, वैसे वैसे सेकेंड क्वांटिटी घटती चली जाएगी उनका प्रोडक्ट सेम रखने के लिए. ठीक है, तो दो क्वांटिटीज ऐसे रिलेटेड होती हैं कि उनका प्रोडक्ट हमेशा सेम रहता है. तो ऐसी दो क्वांटिटीज को हम कहते हैं इनवर्स वेरिएशन. अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज पे आते हैं, एक एग्जांपल देते हैं आपको. इससे इस दो क्वांटिटी कैसी होती हैं, आपने कहा ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसी कौन सी क्वांटिटीज होती हैं तो उनमें ऐसा रिलेशन हो कि एक बढ़े दूसरी घट जाए. जैसे एक चीज, कोई वर्क है, किसी काम को मान लो 10% 50 डेज में करते हैं, अगर हम आदमी बढ़ा दें तो क्या होगा, काम जल्दी हो जाएगा. तो जैसे जैसे आदमी बढ़ते, वर्कर्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे नंबर ऑफ डेज घटते चले जाएंगे. जितने ज़्यादा आदमी होंगे काम उतनी ही जल्दी हो जाएगा. तो ऐसी क्वांटिटी इनवर्स वेरिएशन में होती हैं. अब आइए एक्सरसाइज 9.1. क्वेश्चन नंबर 1, 45 गॉट कैन ग्रेज अ फील्ड इन 13 डेज. 45 गॉट हैं, वो एक फील्ड को 13 डेज में ग्रेज यानी पूरा चर लेती हैं. हाउ मेनी गॉट विल ग्रेज द सेम फील्ड इन वन डे, कितनी बकरियां एक दिन में चल लेंगी. अगर हम जल्दी चाहते हैं कि ग्राउंड जल्दी चर जाए हमारा पूरा, तो क्या करेंगे, नंबर गॉट बढ़ा देंगे. तो अगर ज़्यादा बकरियाँ होंगी तो जल्दी जल्दी कम दिनों में आपको वो पूरा ग्रेज कर देंगे, और अगर कम होंगी बकरियाँ तो उसमें ज़्यादा दिन लगेंगे. तो ये इनवर्स वेरिएशन में होगा. तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सिंस इन 13 डेज नंबर ऑफ गॉड कैन ग्रेज द फील्ड इन फील्ड बाय 45 गॉड्स. In 13 days, gods can graze whole field
एन 13 इक्वल होगा 45 गॉड्स. देयरफॉर इन वन डे नंबर ऑफ गॉड्स कैन ग्रेज द फील्ड. देखिए अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ डेज घट रहे हैं इन वन डे, 13 थे अब वन हो गए. जब डेज कम हो गए हैं तो क्या होगा, बकरियां बढ़ जाएंगी, बढ़ने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. तो हम लिखेंगे यहां पर 13 × 45. यहां पर हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं लेस डेज तो मोर गॉड्स. दिन कम बकरियां ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, अगर कम हो रहा होता तो डिवाइड करते, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 525 गॉड्स. देयरफॉर 585 गॉड्स कैन ग्रेज द फील्ड इन वन डे. ओके, ये आपका हो गया आंसर. और देखें क्वेश्चन नंबर 2. अ गर्ल टाइप 40 वर्ड्स इन पर मिनट एंड टेक्स 24 मिनट टू टाइप ए सर्टेन डॉक्यूमेंट. एक लड़की जो 40 वर्ड्स पर मिनट टाइप करती है उसको एक डॉक्यूमेंट टाइप करने में 24 मिनट्स लगते हैं. हर फ्रेंड रीना हैज ए टाइपिंग स्पीड ऑफ 48 वर्ड्स. रीना की टाइपिंग स्पीड 48 वर्ड्स है पर मिनट. इन हाउ मच टाइम विल सी बी एबल टू टाइप द सेम डॉक्यूमेंट. उसी डॉक्यूमेंट को रीना कितने मिनट में टाइप कर देगी. देखिए सिंस फोर्टी वर्ड्स इफ स्पीड इज 40 वर्ड्स पर मिनट देन टाइम टेकन कितना टाइम लग रहा है, तब टाइम लग रहा है 24 मिनट्स. इफ स्पीड इज वन वर्ड पर मिनट अगर वन वर्ड पर मिनट स्पीड हो जाए तब टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन. देखिए यहाँ क्या हो रहा है, स्पीड कम हो रही है. जब स्पीड कम हो रही है तो टाइम बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो मल्टीप्लाई 24 × 40 मिनट्स. यहाँ चाहे तो ब्रैकेट में लिखते हैं हम लेस स्पीड मोर टाइम. यहाँ देयरफॉर इफ स्पीड इज हाउ मैनी 48 वर्ड्स पर मिनट देन टाइम टेकन तब टाइम कितना लगेगा. अब देखिए यहाँ 1 थी और यहाँ 48, तो क्या स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, घटने के लिए डिवाइड 24 × 40/48 मिनट्स. यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं मोर स्पीड होगी तो लेस टाइम, जब लेस टाइम हो जाएगा तो डिवाइड करना पड़ेगा. इसको सॉल्व कर लो 24 × 48
टू का डिवाइड 14 में करेंगे तो 20, 40 by 2 = 20 मिनट्स। देयरफॉर रीना विल टेक 20 मिनट्स। देयरफॉर टाइम टेकन बाय रीना was equal 20 minutes. Okay, now we will see the next question, that is question number 4. क्वेश्चन है, अ कार कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 3 hours 20 minutes। एक कार किसी डिस्टेंस को 3 hours 20 minutes में कवर करती है, एवरेज स्पीड 45, जब उसकी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है। अब हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 36। अगर उसकी स्पीड 36 हो जाए तब टाइम कितना लगेगा उसको। पहले तो आप 3 hours 20 minutes को एक यूनिट में कन्वर्ट कर लें, या तो मिनट में या आवर्स में। आवर्स में कन्वर्ट कर लें, इजी रहेगा। 3 hours 20 minutes, 3 hours 20 minutes, इसको हम आवर में कंप्लीट करें तो 3 + 20 minutes को आवर के लिए अपॉन 60, 1/3, तो 3 complete 1/3, दैट इज 10/3 आवर्स। ओके, यहाँ लिखिए आप, सिंस if speed of car is 45 kilometer per hour, then time taken, तब कितना टाइम लगेगा, 10/3 hours। अब if speed, यूनिटरी मेथड में पहले 1 की फाइंड करते हैं, स्पीड इज 1 kilometer per hour, देन टाइम टेकन, तब कितना टाइम लगेगा। देखिए स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम होगी तो टाइम बढ़ेगा, बढ़ने के लिए मल्टीप्लाई, तो ये क्या बनेगा, 10/3 × 45 hours। यहाँ ब्रैकेट में चाहे लिख दें लेस स्पीड मोर टाइम, तो इसको सॉल्व कर लें, 3 से डिवाइड करेंगे 45 तो 15 × 10 = 150 hours। अब इफ स्पीड इज 36 kilometer per hour, देन टाइम टेकन इक्वल क्या हो जाएगा। अब देखो स्पीड बढ़ गई है तो टाइम घट जाएगा, घटने के लिए डिवाइड, तो बनेगा 150/36 hours। यहाँ लिख दें मोर स्पीड लेस टाइम, इसको सॉल्व करें, 3 से डिवाइड कर लें तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 50/12। अब 50/12 को अगर हम फिर से डिवाइड कर लें 2 से तो बोल जाएगा 25/6, 25/6 hours। देयरफॉर टाइम टेकन 25/6 hours, इसको आवर मिनट में कन्वर्ट करें कितना बन जाएगा, 4 complete 1/6 hours, तो 4 × 1/6 4 hours हो जाएंगे, और 1/6 मिनट ही क्या, आवर इनको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए तो 6 ही हो जाएगा, तो ये मिनट्स, तो 10 तो क्या मिलेगा, 4 hours 10 minutes, ये आंसर आपका हो गया। ठीक है, इस टाइप से आएंगे आप
ट्राई करते जाएंगे और ट्राई टू कंप्लीट 6 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन है तो 6 आप कंप्लीट करेंगे. ओके ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव ए नाइस डे.